हवाई किरायों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जेट फ्यूल के महंगे होने के बाद घरेलू हवाई कंपनियां जल्दी फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी करने जा रही हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें आपके हवाई सफर को भी महंगा करने जा रही हैं। जेट फ्यूल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते अगले एक दो दिनों में ज्यादातर घरेलू एयरलाइन कंपनियां अपने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने जा रही हैं। इस समय आपको घरेलू उड़ान पर 950 रुपए फ्यूल सरचार्ज के तौर पर देना पड़ता है, जिसमें 100 से 200 रुपए तक बढ़ाए जा सकते हैं, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियों ने तो सरचार्ज बढ़ा भी दिया है। यूरोप के लिए आपको $180 का सरचार्ज देना होगा, जबकि अमेरिका, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के लिए सरचार्ज $133 से बढ़ाकर $145 कर दिया है। एयरलाइंस की दलील है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का कुछ हिस्सा यात्रियों को भी झेलना पड़ेगा, लेकिन जानकार इसे गलत मानते हैं। इंटरनेशनल भी महंगी होगी और डोमेस्टिक पर भी असर जरूर पड़ेगा। डोमेस्टिक में क्योंकि अभी नया नया कॉम्पिटिशन हुआ है, तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार अगर 5% प्रॉफिट है तो 3% अब्जॉर्ब करके 2% ही प्रॉफिट शो करेंगे। इसके अलावा एयरलाइंस ने नए रूट्स पर किराए महंगे भी कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर एयर इंडिया की मुंबई से अमेरिका की नई उड़ान का किराया अन्य नॉनस्टॉप उड़ानों के मुकाबले काफी ज्यादा है। मुंबई से अमेरिका के लिए एयर इंडिया की टिकट करीब 53,000 रुपए की पड़ेगी, जो ब्रिटिश एयरवेज या सिंगापुर एयरलाइंस के मुकाबले 10 से 15% ज्यादा महंगा है। Their product and our product can't be compared. Only 2 or 3 American carriers have a non-stop flight between US and India. Compared to that, this is a far superior one. So obviously the comparison is not with those airlines. And I think this can command a premium price, which is higher than the normal price. कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त के अलावा भारत में हवाई ईंधन महंगा होने के पीछे राज्यों में लगने वाले अलग अलग सेल्स टैक्स भी जिम्मेदार हैं। जानकार मानते हैं कि अगर यही हाल रहा तो जल्द ही हवाई यात्रा सिर्फ पैसे वालों तक ही सीमित रह जाएगी। अनुराग मानखंड, जी बिजनेस, दिल्ली।